Yes, I am a chai lover. मैं चाय वाली बंदी हूँ और अस्सलामुअलैकुम शाहिद भाई जी है ये कहाँ जा रहा है ये घूमो करने जा रहा है ये अंदर कोई मरी है कुड़िया है मरी है लड़िया है उसको कौन करे सेंडर चलो हम जिम्मेदार नहीं है मतलब चले टीम जाओ मेरी बात में जी आप लोगों के हाथ में जो गन है वो सेंट्रल ऑटोमेटिक गन है सही है सेंट्रल ऑटोमेटिक अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग एक नए दिन के आगाज के साथ बस हम लोग सुबह सुबह अपने सारे काम वाम खत्म कर आज हम निकले हैं क्योंकि आज संडे था हम लोग हर 15 डेज के बाद हम लोग लाजमी जो है बाहर आउटिंग के लिए निकलते हैं तो आज मैं निकली हूँ कोरंगी क्रीक पर मुझे ना इसका नाम कुछ सही से अभी पता नहीं है ये क्या है मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना बड़ों की बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं तो मैं जल्दी से तैयार व्यार होकर और बच्चों की खाने पीने की चीज़ें लेकर मैं जल्दी से निकल आई हूँ फ्राइज़ मैंने बना ली थी एजल के लिए क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर की चीज़ें ज़्यादातर बच्चों को खिलाऊँ तो मैं पहले दिखाती हूँ मैं आई कहाँ हूँ आपको पूरा ओवरव्यू देती हूँ कि ये कैसी जगह जब मैं आई थी यहाँ पे पूरा सन्नाटा था मेरा व्लॉग बनाने का कोई मूड भी नहीं था बस ऐसे ही नहीं था थोड़ी ना तबीयत सही नहीं है तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इस टाइप का बना हुआ है यहाँ पे पूरा बच्चों का सॉफ्ट प्ले एरिया है और आगे का देखा जाए तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से पार्किंग एरिया बनाया हुआ है ये सब गाड़ियाँ खड़ी हैं कोरंगी क्रीक पर मौजूद है मुझे नाम नहीं पता अभी मैं पूछती हूँ रहा क्या नाम है यहाँ पर एंटर होते हैं उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक रिसेप्शन वगैरह बनाया हुआ है कि हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ें ले सकते हैं क्या नहीं मतलब यहाँ पे शूटिंग है और टेनिस है और बैडमिंटन है मतलब काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे इन्होंने पैकेजेस दिए हैं कि अगर आप ये वाला लेंगे तो 2000 है पर हेड और जिप लाइन पेंट बॉल आर्चरी और ये लेंगी तो ये भी 2000 पर हेड है ये दोनों लेंगी तो 1200 पर हेड और ये चारों लेंगे तो 25 पर हेड वैसे फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ये इस टाइप की चीज़ों का कि ऐसा क्या है होप सो आप लोगों को भी पसंद आएगा और ये आज हमने पहली दफ़ा जो है हॉट कॉफ़ी ली है मैं कॉफ़ी पीती नहीं हूँ तो एक कप ही जो है फ्रेंड लाइट तो ऑन होगा नहीं लाइट ऑन थी अभी तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे नियॉन लाइट लगाई गई है ये इस तरीके का बनाया गया है ये राउंड में है और यहाँ पे सारी बॉल्स डाली हुई हैं तो नियॉन में पहले आप यूँ ओवरव्यू व्यू ले रहे हैं ताकि फिर मैं बाद में जो है आप लोगों को कंप्लीट लाइटिंग के साथ दिखाऊंगी ये देखिए ये मतलब अच्छा मतलब ये कपड़ा होता है और चमकता कैसा है ना भाई हम देसी लोग हैं हम ऐसी बातें करते हैं किसी को ये लगे ना यार ये क्या पागल है ये वो हाँ हाँ हम ऐसे ही हैं मतलब ऐसे अच्छा ही चीज़ है कि मतलब अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ इस तरीके का ना एक ऑरेंज भी होता है तो ना मैं मार्केट गई थी तो मुझे वो सूट बड़ा अच्छा लगा था तो वो मैं लेकर आ गई थी और पहना अरे मैंने पहना ना तो पूरे घर की आँखें ये बोला जा रहा था यार क्या पहन लिया तुमने चमक रही है पूरी आँखें ये हो रहा है वो रहा है तो और कैसे पूरा वैसा वाला ऑरेंज कलर ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ऑरेंज कलर का ना मैं सूट बना लिया था मैंने वो फरहान ने बोला पूरे घर नहीं ये क्या बना के बैठ गई उतारो इसको फिर मैं फाइनली वो नया सूट मैंने मतलब निकाल दिया मैंने दे दिया किसी को कि भाई ये मैं नहीं पहन सकती सब मेरा मजाक बना रहे हैं तो ये देखिए अब मैं आपको लाइट्स में दिखा रही हूँ ये इस तरीके का बनाया गया है मैं शूज़ उतार कर अपने
शूज़ उतार कर मैं अपने अंदर जाऊँ। वैसे मैं ना जॉगर्स पहनती नहीं हूँ, मुझे ना मतलब भाई उलझन आती है। फरहान ने जॉगर्स दिलाए कि हाँ लो, तो मैंने लिए, बट फिर कहते हैं लिए तो पहन क्यों नहीं। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से ये बनाए हुए हैं, और ये अंदर एंटर होकर ये स्लाइड है ज़बरदस्त सी, ये देख सकते हैं आप। और फिर ये स्टेयर्स बनाई गई हैं ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पर मतलब इसको इस पर जंप कर करके आप गुजर सकते हैं। और आप वो देख सकते हैं वो भी एक स्लाइड बनाई गई है, और यहाँ पे एक जंपिंग एरिया है। और ये अच्छा, मुझे लिटरली ना ये बॉक्सेस सबसे ज़्यादा पसंद है, ये देखिए। बट ये हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, मुझे लगा सॉफ्ट, ये तो बहुत हार्ड है, वरना हर जगह तो इतने सॉफ्ट होते हैं। या तो ये कह लें कि यहाँ पे ये नई जगह खुली है तो सब इतने आते नहीं हैं, तो इस वजह से जो है, इस वजह से शायद ये भी हार्ड है। बट मुझे बताइएगा, ये हमेशा ये हार्ड होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं यूज़ होने के बाद। तो यहाँ से अब मैं बाहर निकल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को हमने फीस तो चार्ज करी थी, लेकिन बच्चे झूल खा रहे हैं, मुझे मिल नहीं रहे। और यहाँ पर इन्होंने सॉफ्ट प्ले मैट बिछा दिया है ताकि बच्चे गिरे तो इसी पर ही गिरे। कहाँ गए आप लोग? सबूर सफान एजल, उतने ऊपर चढ़ गए आप लोग। और यहाँ पे फरहान कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं। वैसे ना मैंने कभी भी कॉफ़ी नहीं पी, सीधी सी बात है, मतलब पी है, ऐसा नहीं है नहीं पी, मतलब बाहर जाके स्पेशली, क्योंकि मैं चाय लवर हूँ भाई, बल चाय वाली बंदी हूँ मैं। यस आई एम अ चाय लवर, मैं चाय वाली बंदी हूँ। और मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा ना, मतलब कॉफ़ी सो सो, बट चाय दिमागी सुकून। तो यहाँ पर मैंने सबूर को भी बुलवाया था, फरहान कह रहे थे कि नहीं सबूर भी हो, क्योंकि सबूर अम्मी के घर पे लास्ट नाइट जो है उसने स्टे कर लिया था। और अब मैं जा रही हूँ सबूर को लेने के लिए, ये लोग आए होंगे मोहित मुनीषा। तो आप ये देख सकते हैं ये लोग आ गए हैं सारे के सारे। ये मुन्ना जंपिंग करेगा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सबूर, कैसे हो आप? कॉफ़ी कॉफ़ी अभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम शाज़िब भाई जी, उल्टा हैं ये, कहाँ जा रहा है? ये घूमो करने जा रहा है, ये जंपिंग करेगा छोटू हमारा। अस्सलाम वालेकुम रहमा, जाहिर है। अस्सलाम वालेकुम मनीषा, कैसी हैं आप जी? अस्सलाम वालेकुम मोइज़ भाई जी, मोइज़ हेलो हेलो। तो यहाँ पर अब हमारा सिलेक्शन हो रहा है कि हमने कौन सा गेम खेलना है, और हमारे डिसाइड हुआ है कि हम 2500 वाला पैकेज खेलेंगे। खेलेंगे बदतमीज़ है मेरे भाई सारे के साथ। तो अब हम फाइनली हमारा पैकेज डन हो गया, और अब हम जा रहे हैं अंदर, ताकि ये अलाउ नहीं है, बच्चे अलाउ नहीं है, बच्चे कह रहे हैं रेस्ट रूम में थोड़ा रेस्ट करना वॉशरूम। हाँ तो भाई फरहान जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, फरहान क्या करने आ रहे हो यार, क्या बदतमीजी है। तुम तो तुम नहीं होगे, हम तो हैं, हम तो हैं, तुम ही नहीं होगे। हम आ चुके हैं ऊपर, और ये ऊपर का एरिया है, आप ये देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट एंड क्लीन। तो अब हम जा रहे हैं अंदर, सबसे पहले क्या होता है वो हम देखते हैं। क्या है अंदर? कोई मरी है, कुड़िया है, मरी है, लड़ी है, उसको फॉर्म में पहले साइन करवा। मतलब हम जिम्मेदार नहीं है, मतलब पहले ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ? भाई सब सब सुन लो, सबसे पहले दुलावे को मारना है, सबसे पहले दुलावे को मारेंगे। राधा नहीं, ये क्या तुमने पोनी बनाई है यहाँ पर? ये आपने जो आपने हेयर स्प्रे करा है ना, यहाँ से पूरे मुर्गे की तरह बाल उड़ गए आपके। ज्यादा नहीं, अल्लाह ना करे सब सही रहे। मुझे तुम्हारी राइटिंग को क्या हो गया? क्या हो गया? इतनी प्यारी राइटिंग है, क्या हो गया? बहुत हसीन है, हैं? बड़ी हसीन आ रही है, सबका साइन इतने खुद कर दिया। रहमा सिद्दीकी, मुनीषा का साइन दिखाता हूँ। नहीं मेरा तो ऐसा साइन नहीं है, मुझे मेरा भी नहीं ऐसा साइन। मेरा क्या है? मेरा तो देखो, मेरा साइन तो देखो, मैं ही करता हूं। मुझे सबके साइन खुद कर दिए। और कौन है? शायद अब हमारे हस्बैंड हमारे कुछ पर हो गए, क्योंकि दूसरी टीम में। अब
सारे पतले आप यहाँ पे अपना तैयार हो ग्लव्स डायमंड पानी दुपट्टा साइड पर बांध लेती है इसलिए तो डिस्पोजेबल दिए पाकिस्तानी सॉरी 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 हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद दरअसल ये इंडिया की मूवी देखने का सर एक दूसरे को ही मारना है तो हमारी लग जाएगी हम पांच इन चारों को मारेंगे तुम्हें ग्लव्स नहीं पहनने ये रे कॉम्बैट आई डोंट नो की तैयारी ना इसकी शादी पे हुई थी पूरी ना इसकी ना ना मुइज की शादी पे हुई थी हमेशा कंफ्यूज ही रहती है और अभी भी कहने ये क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे वीडियो बनी थी चलो यहाँ खड़े हो आप चलो ये जरा खड़े हो वही खड़े हो फरान भाई खड़े हो ना अच्छा भाई यही चारों है तुम गेम लेकर डायरेक्ट नीचे गिरेगी मनीषा रायमा हेलमेट हाथ में लेके आओ रायमा ये नहीं करूंगी मैं ये कर रहा है ओ? ये नहीं करूंगी मैं जल्दी जा नहीं, नहीं मारना ही नहीं काम करना घर पे मुझे नहीं मारनी मुझे कोई मार लेगा अबे भाई जल्दी आओ ना मुझे भी मैं सबसे आखिर में जाऊंगी फंस गई थी बंदे लेने और उसको डर नहीं लग रहा होगा बन गया है जी मैं तो हाथ खुले करके जा रहा हूं गो रायमा गो यू कैन डू इट रायमा ये जाए और पीछे से कुंडा खुल जाए अरे जल्दी कर ना अरे यार मैं नहीं जाऊंगी नहीं मैं नहीं जा रहा चलो मैं कह रहा हूं जल्दी ऐसा नहीं बीच आदमी में जीत पड़े इसका वेट होगा ना वो नहीं वाह भाई वाह शादे वाह फरहान का टर्न है रायमा में मजा है हम शादे चलो स्टार्ट ओए अल्लाह ओए टूट गई टूट गई टूट गई टूट गई नहीं मैं जा रही हूं पहले रेडी एक मिनट क्या हो गया चलो बोरी बेटी तो यहाँ पर अब हम लोग अंदर अब हमारे दूसरे हाँ मैं अपना फोन दे रही हूँ यहाँ पर अब पता नहीं कौन सा गेम स्टार्ट होगा कौन सा गेम पेनबॉल पेनबॉल मारनी है ना कहाँ है हाँ 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 डिफेंडर्स हैं उसको अपनी बेस में रहते हुए प्रोटेक्ट मतलब महफूज करना होता है अटैकर्स हैं उसको कैप्चर करके अपनी बेस तक रिटर्न लेकर जाना होता है आप लोगों के पास जो है वो तीन राउंड मौजूद हैं पर राउंड आप लोगों का तीन मिनट का है सही आप मुझे बताएं फर्स्ट राउंड में कौन अटैक कर रहा है कौन डिफेंड कर रहा है कितने मतलब लोग जा सकते हैं फर्स्ट राउंड में सारे जा सकते हैं बात करेंगे हम बजर ठीक है बजर होगा आप फ्लोर पर देख रहे हैं येलो लाइन नज़र आ रही होगी आपको जी
ये आप लोगों की क्रॉस लिमिट लाइन है डिफेंडर्स की, आप लोगों की सही है। आप लोगों ने 3 मिनट तक इसके पीछे रहते हुए, मतलब इस तरफ रहते हुए ये ड्रम्स और ये जो बैग्स रखे हुए यूटिलाइज करते हुए आप लोगों ने इन लोगों को अपनी गन और अपनी बुलेट्स की मदद से फ्लैग ले जाने से रोक दिया सही है। मतलब हम मारेंगे फ्लैग ये लेके जाएंगे सही है। लेट सपोज कि आप पाँचों में से कोई भी मेम्बर इस येलो लाइन को क्रॉस करके एक पैर भी बाहर निकालता है मतलब वो फाउल हो जाएगा सही है। फर्स्ट राउंड का पॉइंट जो है वो अपोजिट टीम को दे दिया जाएगा चाहे ये लोग फ्लैग कैप्चर करें। अच्छा हमें ये क्रॉस नहीं करना, हां ये ग्रीन लाइन क्रॉस नहीं करना, येलो येलो हम जैसे ही करेंगे मारेंगे तो हम पहले आपको ना क्लियर हो गई बात। अच्छा वो भी मारेंगे हम भी मारेंगे, बस हमें फ्लैग लेके अटैक करना है, प्रोटेक्ट करना है, डिफेंस करना है। ये क्या ही गाना गाई जा रही है। आप लोग जो है वो उसी राउंड में फर्स्ट राउंड में जो है अपोजिट से गेम को स्टार्ट करेंगे सही है। एक दूसरे को वहां से कवर अप देते जाएंगे, फ्लैग उठा के वापस लेकर जाएंगे तो ले जाएंगे हम तो हार जाएंगे। फ्लैग उठाना है, फ्लैग उठाना निकलना ही नहीं होगा हमें तो अभी प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट राउंड में मैं भाग के जाता हूं, हम ना इनको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, हम मुझे मारोगे तुम। ये चीज क्लियर हो गई है शॉट्स। चलें टीम जरा मेरी बात सुने। हां जी आप लोगों के हाथ में जो गन है वो सेमी ऑटोमेटिक गन है सही है। सेमी ऑटोमेटिक गन का मतलब होता है सिर्फ इसको एक बार लोड करना होता है, दूसरी दफा लोड करने की नीड नहीं होती सही है। अभी सबकी गन लोडेड है सही है, तो लोड करने की नीड नहीं है। बाय चांस अगर किसी की गन नहीं चलती है गेम के दौरान ड्यूरेशन में गेम अगर किसी की गन नहीं चलती है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर लगा हुआ है आपने इसको राइट हैंड की तरफ मतलब राइट साइड की तरफ टाइट करना है सही है। प्लस इस पिन को देखेंगे, इस पिन को आप ऊपर कर लेंगे कि जबकि ड्यूरेशन है जब आपकी गन नहीं चलती है जब थेरेपी है। अभी सबकी ये पिन ऊपर हुई है इसका मतलब लोडेड है, तो मतलब लोडेड करने की जरूरत नहीं है, ये जब बताया गया है जब आपकी गन नहीं चलती है। प्लस ये गन जो है यहाँ पे गन्स का सिस्टम, ओए पागल ही क्या, ओए राधे 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 ओ अल्लाह मुइस के मार दी पर आने गन मुइस बहुत तेज लगी है, बच्चे रो रहे हैं ऊपर, लेट्स गो उन्होंने बोला था आपस में नहीं मारना, इन्होंने देखो फिर सब फरहान ने मेरे शोर को कैसे मारा, फरहान ने इसके शोर को सॉरी मुइस ने मेरे शोहर को कैसे मारा। यस 8 o'clock अब हम ऊपर जा रहे हैं, अब हमारा जो गेम है वो कोई बॉल वाला, क्या नाम है मुनीषा उस गेम का, क्या जर्ब रेसलिंग, कोई नहीं पता नहीं कैसा नाम है। और ये देखो कितना कबाड़ा है, ओए होए हाँ, ये सारा सोलर का कार्टून रखा हुआ है, सोलर का सिस्टम, सोलर पैनल, वो जनरेटर रखा हुआ है, वो इतना बड़ा जनरेटर है। अच्छा सो फाइनली हम यहाँ पे अब ऊपर आ गए। रामू तुम्हें मजा आ रहा है, शायद अब इसके पे पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इसके भी पैसा वेस्ट कर रहा है। गन चल भी रही थी, आगे कब पड़ी थी ये भी और वो दो लड़कियां भी, हाँ मेरा भी और मैं तो आगे आए फिर कोई आई नहीं। वो है वो जो गोलियां गुब्बारों में मार के हाँ वो जो गुब्बारे मार के ओ गन मार के क्या मिलता है हमें गुब्बारे। अच्छा इसमें तो वो लगा हुआ है पटाखा भी टाइप का, उससे तो हर पर हो जाएगा किसी के लगेगा तो अभी तक फरहान भाई के भी नहीं लगा रहे, शाजिद भाई के लगा ना, रीश का लगा ना, अभी मुझे इसका देखते हैं, मेरा और रहमा का लग गया बीच में और मेरा रह गया, हाँ इनका देखते हैं कितने बीच में लगा, नहीं लगा समझ लो हवा से क्रॉस हो गया। वाह ये अच्छा बहाना है, मेरे तो लगे ना, चलो
कितनी देर हो गई मेंबरशिप होंगे मेंबर होंगे ये चाइना एम करें नजर आ रहे हैं सही आपकी गन कहाँ है ये इनको भी तो करें कहेंगे ये मैंने अपने निशाने कितने ओए ओए मेरा सबूर गिर गया देखेंगे निशाने कैसे लगे हैं हमारे लेट्स सी मुझे लग रहा है मैं जीत जाऊंगी मुझे हार जाएगा भूल ना जाइए कौन से हाथ में पकड़े हैं हाँ मैं जीती तुम जीते एंड द रिजल्ट इज ये मेरा है तीन ये दो हैं मेरे तीन है लड़कियों का निशाना यस हम डायरेक्ट निशाना मारते हैं डायरेक्ट यस मेरे तीन है ये चार पाँच छः सात आठ नौ जी एक रह गया एक कहाँ गया आपका ये एक डबल में लगा है शायद कि ये मेरा लगा है ये मेरा निशाना लगा तीन मैंने कितने जबरदस्त मारे हैं और बाकी सब राउंड में ही है इधर उधर नहीं है ये इससे टक्कर ही कहते हैं बहुत थक चुके हैं इसे लग रहा था कुछ भी नहीं है और मेरे दो बीच में लगे थे शायद तक एक भी नहीं लगा मुझे भी दिएगा लड़कियां निशानेबाज होती है ना कह रही है पटाती है लड़कों को कैसी है ये देखा ये मासूम चेहरा ये शादी को बताती हूँ अभी आपने सुना ये क्या बोल रही है शादी बोला है हमने बोला लड़कियाँ क्या बोला था मैंने लड़कियाँ निशानेबाज लड़कियाँ निशानेबाज होती हैं कह रही है हाँ लड़कों को पटाती है ना देख रहे जरा देखो जरा अपनी बीवी को इस मासूम चेहरे के पीछे का राज ये देखे ये मुझे तो मुझे चला रहा है ये कहाँ फंस गई तुम अच्छा मुंह नहीं निकलेगा चले हम मेरा जी जी स्टार्ट स्टार्ट जी स्टार्ट खेलें लग जाएगी आपके जी जी रेडी आप साइड हो इस तरफ हो जाए लग जाएगी जी सही है खड़े हो जाए नहीं सही है ये क्या कर रहे हो उस तरफ नहीं करें ओके ओके मैम भाई मैं तो थक गई मैं तो निकल के बैठ गई हूँ क्या हुआ सफान तो ऐसे ही तो खेलते हैं ये देख ये मेरा भी अब दम फूट रहा था भाई हाँ ओए होए ये बड़ा शॉट अरे से मारा मुंह इसके सबुन तो फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं हमने सारे गेम्स एंजॉय करे आप लोगों ने देखे ये बच्चे रो रहे हैं कह रहे हैं बॉल्स वाले में हमें भी झूलना है कैसे झूलाऊं जब अलाउड ही नहीं है तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अब देखते हैं हम कहाँ जाते हैं पता नहीं अब हम लोग कहाँ जाते हैं लोगों ने यहाँ पे चारों ने मिलके मेरे को बर्थडे